वहीं कानपुर में चुनावी बिगुल फूट चुका है। चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ प्रत्याशियों का जोश भी चरम पर है। निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए महापौर पार्षद पदों के लिए 886 पर्चे खरीदे गए थे। कांग्रेस और सपा से महापौर पद के प्रत्याशियों ने 8 पर्चे खरीदे। सबसे अधिक 762 नामांकन फार्म नगर निगम में बिके। नगर निगम मुख्यालय में नामांकन के लिए सुबह से ही दावेदारों की जोरदार भीड़ लगने लगी थी। मोती झील परिसर के अशोक नगर गेट, स्वरूप नगर गेट और केडीए की तरफ से बैरिकेडिंग कर वाहन रोके गए थे। दावेदार नामांकन पत्र खरीदने के लिए काफी बड़ी संख्या में प्रमिला सभागार पहुंचे थे, तो वहां बैठे कर्मचारियों ने रिटर्निंग अफसर न होने का हवाला देकर इंतजार करने को कहा था। दोपहर 12 बजे से फॉर्म बटने से गुस्साए दावेदार हंगामा करने लगे। तभी कर्मियों ने फॉर्म देकर आरओ के हस्ताक्षर कराने के लिए नामांकन कक्षों में दावेदारों को भेजना शुरू कर दिया। दोपहर में जिलाधिकारी विशाख जी मौके पर पहुंचकर व्यवस्था चाक चौबंद कराई, जिसके बाद तेजी से पर्चे बिकने शुरू हुए। दोपहर 3 बजे बिक्री बंद होने के बाद भी कई दावेदार पर्चे नहीं खरीद सके, इस पर उन्होंने रोष भी जताया। मेयर प्रत्याशियों के लिए भाजपा से प्रमिला पांडे, कांग्रेस से आशनी अवस्थी, समाजवादी पार्टी से वंदना वाजपेयी ने प्रस्तावकों के साथ पर्चे दाखिल किए। वहीं महापौर भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे के नामांकन जुलूस में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एमएलसी विजय बहादुर पाठक, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैधानी, सलील बिश्नोई, अरुण पाठक, विधायक नीलमा कटियार, विधायक अभिजीत सिंह सांगा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं वार्ड 25 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिंह ने नामांकन कराया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तावक अरुण मिश्रा, धर्मेंद्र यादव, आनंद अवस्थी, धर्म दुबे, पंकज गुप्ता, अभिषेक सिंह और काकादेव अध्यक्ष अक्षय त्रिवेदी, आदित्य द्विवेदी, छोटू पंडित और अनादि सविता मौजूद रहे। वहीं वार्ड 82 से नामांकन पत्र और सिंबल दाखिल करने के बाद प्रत्याशी कीर्ति सिंह ने जीत का दावा किया है। जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं पर खास ध्यान रखेंगी। वहीं इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर, पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी के निर्देशन में नामांकन स्थल पर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एलआईयू संजीव दीक्षित सहित अन्य अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए थे। साफ सफाई की समस्या बहुत बड़ी है और ईमानदारी से मुझे अपना काम करना है। जो शहर में इतना भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है। पेयजल की समस्या, सीवर की समस्या, नाले की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जाम की समस्या, महिलाओं के लिए बाजार में टॉयलेट की समस्या, जो भाभी जी उसको भी दूर करेंगे। नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करना मेरा मुद्दा रहेगा। नगर निगम द्वारा बंद जो अस्पताल, मतलब जो उन्हें सुचारू रूप से चलाना, और नगर निगम द्वारा जो स्कूल हैं उनको भी अच्छी व्यवस्था से साथ चलाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति सिंह सेंगर है। अच्छा, किस वार्ड से यार नाम है? हमने वार्ड 82 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके वार्ड के लिए? वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जल समस्या है जैसे कि, और लाइट की है, बिजली की है। अरे हमारे वार्ड में ये मान लीजिए आप समस्याएं ही समस्याएं हैं। अगर बताना शुरू करेंगे तो आज से कल तक खत्म नहीं होगी, समस्याएं नहीं खत्म होगी, बताने वाली है। उनको पूरा करने में तो लोग दसियों साल लगे रहे, नहीं कर पाए, पर उन्हीं को ख़त्म करने के लिए हम लोगों का जो है टारगेट है कि वार्ड 82 में जो है किसी भी तरह की समस्या हो, सीवर हो, पानी हो, लाइट हो, लोगों की हो, गली हो, नाले हो, रोड हो, एक एक समस्याएं जड़ से ख़त्म करनी है। जो पिछले 15 वर्षों से नहीं हुआ है उतना बदलाव वार्ड 82 में करना है, पूरे वार्ड 82 को हरा भरा करना है। क्षेत्र की जनता से अपील यही है कि जनता से, कोई जनता हमारे साथ है पूरी क्षेत्र की। किस एजेंडे को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जाएंगे? जी, किस एजेंडे को लेकर के मतदाताओं के बीच में मतदान मांगने जाएंगे? जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो खुद ही चाह रही है हमको, मुझे पसंद करती, लाइक करती, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कार्य कराने वाला इंसान एक ही है क्षेत्र में, सनी सेंगर, और उन्हीं लोगों के कहने के अनुसार ही हम लोगों ने इस जो है पार्षदी का ये जो है तैयारी की है, ताकि एक मजबूती मिल जाए और हम लोग जो